अभी तक हमने ये समझा है कि जैसे पहले भाव के विषय में हमने कुछ जानकारी ली है, तो कृष्णमूर्ति पत्ती में किस प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए जो है विश्लेषण किया जाता है, उसमें दो तरह से स्थितियां आती हैं, या तो जन्म कुंडली के माध्यम से या फिर प्रश्न कुंडली के माध्यम से आती हैं। तो जन्म कुंडली के माध्यम से जो स्थिति आती है, हम इसलिए उसको समय को, जन्म समय को, या हम कहते हैं कि हमारे पास जातक की तरफ से जो उसका जन्म विवरण है लगभग सही होना चाहिए। 2-3 मिनट, 2-4 मिनट का तो ऊपर नीचे का फर्क है, वो भी हम एक तरह से देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसमें यदि संशोधन की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि 2-4 मिनट से दशाओं का इतना फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि ज़्यादा समय का अंतर हो, फिर कई बार स्थिति जो है उसमें बदलती दिखाई देती है। तो इसलिए आपको मैं ये भी बता दूं कि ज़्यादातर जो प्रश्न हैं, बहुत से केपी एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो होरारी के द्वारा ही प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो उसके द्वारा होरारी नंबर लिया, और होरारी नंबर के द्वारा, क्योंकि होरारी प्रश्न जो है वो स्पेसिफिक उसी प्रश्न के लिए वो प्रश्न कुंडली है, और उस प्रश्न को देखने के बाद उसको जो है फिर उसके संदर्भ में आगे कोई प्रश्न उस प्रश्न कुंडली के माध्यम से नहीं देखा जाता। जबकि जन्म कुंडली जो है, हम उसमें कई प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं, जातक की जो दशा चल रही है वो दशा किन किन भावों की कार्येश है, और जातक के जो रूटीन वर्क हैं वो क्या कार्य कर रहा है, उसके अनुसार जो दशाएं जिन भावों की एक्टिव है उसके अनुसार उसको क्या फल मिल रहे हैं। यदि मान लो जातक नौकरी में है और उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से 5-8-12 की दशा चल रही है, तो साफ तौर पर उसको नौकरी वगैरह में दिक्कत परेशानी आ रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि नौकरी वगैरह आदि में दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, तो फिर यदि उसके संतान है तो संतान को हो सकता है दिक्कत वगैरह कुछ ना कुछ जो है आ रही हो। और इसके अलावा अन्य भावों की जो स्थिति है, हम दशा के अनुसार जो है वो हर प्रकार की स्थिति को देखते हैं। प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये होता है कि किसी का कोई प्रश्न आता है तो उसमें उसका यदि मान लो जन्म कुंडली में यदि कुछ मिनट या 5-10 मिनट या 15 मिनट का अंतर होता है, तो ऐसे में बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये है कि वो रेक्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाते, वो कोशिश करते हैं कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से उसका प्रश्न देख लिया जाए। क्योंकि रेक्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, आज की तारीख में रेक्टिफिकेशन के लिए भी जो है 1100, 1500, यहाँ तक कि 3000, 3100 या 3500 तक के जो है चार्जेस लिए जाते हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो लेते हैं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में समय अधिक लगता है हर प्रकार से। एक बार रेक्टिफिकेशन कर लिया लेकिन यदि घटनाएं नहीं बैठ रही तो दोबारा से रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो होरारी के द्वारा ही करते हैं। फिलहाल अभी जैसे 9:16 हो चुके हैं, 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं, और मेरे को लगता है कि बाकी अभी मेंबर या तो अगर कोई ज्वाइन होंगे तो पता चलेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आगे हम जो है विषयों की तरफ, पहला भाव जो है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले भाव के विषय में बताया था, तो पहले भाव के विषय में मैंने आपको ये बताया था कि चर लगन हो, स्थिर लगन हो या द्विस्वभाव लगन हो, उसके अनुसार कौन से मार्ग बाधक होते हैं, कौन से जो है नेगेटिव हाउस होते हैं, कौन से जो है पॉजिटिव हाउस होते हैं। तो एक तरह से ये जो टेबल है, यदि हम जैसे चर लगन के लिए, स्थिर लगन के लिए, द्विस्वभाव लगन के लिए, यानी कि मूवेबल, फिक्स्ड और म्यूटेबल, इन साइंस के लिए हम बताते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो है कि चर लगन का जैसे 11वां भाव बाधक है, स्थिर का 9वां भाव और द्विस्वभाव का 7वां भाव, मारक भाव सभी के 2रा और 7वां भाव हैं, 6, 8, 12 जो हैं ये एक तरह से बैड हाउसेज हैं, क्योंकि 6ठा भाव जो है सिकनेस का है, रोग का है, 8वां भाव घातक है, 12वां भाव लॉस नुकसान है, लेकिन इनका संबंध जो है लॉन्गिविटी के साथ, क्योंकि कोई बीमार हो सकता है, बीमार होकर ठीक हो सकता है, ये भी स्थिति होती है, और कई बार कोई अत्यधिक बीमार होता है और बीमार होने के बाद यदि मारक बाधक भाव जुड़ते दिखाई देते हैं मजबूती से, तो ऐसे में जीवन संकट भी हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अंत का भाव होता है, 4ठा भाव, क्योंकि हृदय से जुड़ा हुआ, यदि हृदय बंद तो सब कुछ बंद, और इसके अलावा चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वभाव लगन के लिए जो पॉजिटिव हाउस हैं ये बताई गई हैं। और मैंने आपको टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी बाद में मैंने जो है क्लास के बाद कई पेजेस जो हैं मैंने भेजे थे, जिसमें कुछ जानकारियां जो हैं वो दी गई हैं, तो उनको आपने देखा भी होगा। जैसे कि हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मैंने आपको जो पेजेस जो भेजे हैं इसमें कुछ जानकारियाँ भी दी हैं। तो इनको आपने अवश्य पढ़ा होगा। ये एक टेबल है, जिसमें मैंने इस टेबल को मैं आपको आगे भी मैं बताऊंगा कि इसमें एक तो हमें ये पता चलता है कि निष्फल राशियां कौन सी हैं, बांझ राशियां कौन सी हैं, हिंसक राशियां कौन सी हैं, अर्धफल राशियां कौन सी हैं, और मूक राशियां कौन सी हैं, स्वर राशियां कौन सी हैं। ये एक टेबल के द्वारा हमें बहुत सी बातों का पता चलता है कि एक तो राशि जो है वो किस प्रकार से है, फिर जैसे मेष, मिथुन, सिंह जो हैं पूरब दिशा की, पुलिंग और क्षत्रिय स्वभाव की, अग्नि तत्व की राशियां, धर्मप्रायण, जो वृषभ, कन्या, मकर हैं पृथ्वी तत्व की राशियां, अर्थप्रायण, दक्षिण दिशा की, स्त्रीलिंग, वैश्य जो कि व्यापारी वर्ग को गिना जाता है, मिथुन, तुला, कुंभ, वायु तत्व की राशियां, काम तत्व, पश्चिम दिशा की, पुलिंग और शूद्र के अंतर्गत, करक, वृश्चिक और मीन जो हैं जल तत्व की राशियां, यानी कि मोक्ष कारक, उत्तर दिशा की, स्त्रीलिंग और ब्राह्मण वर्ग। तो ये इसी टेबल में आपको एक तो हर राशि के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये टेबल थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा ये कटा है, तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर ये बांझ राशियां दी गई हैं, तो बांझ राशि का संबंध जैसे जब हम पंचम भाव करते हैं संतान के विषय में, यदि
प्रॉमिस देख रहे होते हैं और बांझ राशियों का संबंध बनता है, तो वो एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इसके संबंध में आगे हम समझेंगे। और जो अर्ध फलदायी है, अर्ध फलदायी मतलब जैसे किसी को कोई फल पूरी तरह से ना मिल रहा हो, और जो भी विषय है उसका उपनक्षत्र स्वामी यदि अर्ध फलदायी राशि में है, उस प्रकार से उसकी स्थिति पता चलती है। यदि निष्फल राशि में है तो एक तरह से उसकी स्थिति पता चलती है। तो ये आप इस टेबल को जो है आगे इसके संबंध में आपको बताया जाएगा। अब आगे जैसे मैंने यहाँ पर आपको भेजा था कि चर स्थिर देश भाव, उसके अनुसार जो राशियाँ हैं उनके जो नेगेटिव हाउस हैं, जो पॉजिटिव हाउस हैं, इनके संबंध में भी मैंने आपको बताया था। अब बात आती है कि हम जैसे कि पहले भाव के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो हमारे समक्ष किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं? आयु के संबंध में यदि कोई अत्यधिक बीमार हो, किसी की दुर्घटना हो गई हो, उसके संबंध में प्रश्न आ सकते हैं। और किसी को चल रही दिक्कत हो तो उसके संबंध में प्रश्न आ सकते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप जो है एक तो एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसमें किस प्रकार से हम देखते हैं वो स्थिति आपको बताएंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप है, इसको आप ध्यान दें। अभी आपके समक्ष एक ये चार्ट है और ये किसी का जन्म चार्ट है, और ये जो चार्ट है मेरे पास 15 जून 2017 को जब मैं क्लास करवा रहा था तो उसी समय ये चार्ट जो है क्लास में आया था। उस समय ये जो जातक थे ये वेंटिलेटर पर थे और इनका जो जन्म है 27 अक्टूबर 1969, 2:30 दोपहर, और भिवंडी का इनका जो है जन्म था महाराष्ट्र। तो ये इनका जो है चार्ट आया था और इनके संबंध में ये पूछा गया था कि ये जो जातक हैं वेंटिलेटर पर हैं, इनकी क्या स्थिति दिख रही है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में दें कि हमारे पास जो चार्ट आया है वो किस लगन का है। चर स्थिर द्विस्वाव, चर स्थिर द्विस्वाव, चर स्थिर द्विस्वाव, चर स्थिर, यानी कि कुंभ लगन जो है स्थिर लगन है। और आप ये भी जानते हैं कि जो कुंभ लगन है, स्थिर लगन की ये जो कुंडली है, अब क्योंकि ये वेंटिलेटर पर थे तो सीधी सी बात है कि सीरियस थे। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से देखते हैं? तो सबसे पहले तो कुंभ लगन की कुंडली है, दूसरा और सातवां भाव जो है मारक भाव हैं, और सातवां भाव ही जो है बाधक भाव है, 12वां भाव जो है हॉस्पिटल का है, और 6, 8, 12 जो कि रोग घातक और हॉस्पिटल इसको भी दर्शाते हैं। तो ये दूसरा और सातवां भाव जो है मारक है और स्थिर लगन है, तो स्थिर लगन वालों का बाधक भाव कौन सा होता है? नवम भाव होता है। तो ये आप ध्यान में रखें। अब ये जातक अस्पताल में थे तो ऐसे में इनकी जो चल रही दशा थी, यानी कि जिस दिन ये प्रश्न पूछा गया था 15 जून 2017 को, तो हम चल रही दशा को देखते हैं कि वो क्या स्थिति दर्शा रही है, और दशा स्वामी जो हैं वो गोचर में क्या स्थिति दर्शा रहे हैं, उससे हमें आगे की स्थिति जो है पता चलेगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो 15 जून 2017 को गुरु की महादशा चल रही थी, शुक्र की अंतरदशा चल रही थी और बुध की
प्रत्यंतर दशा चल रही थी। अब गुरु जो है इस चार्ट के लिए यदि हम देखते हैं तो दूसरे भाव का स्वामी बनता है जो कि मार्ग भाव है, और शुक्र जो है अंतरदशा स्वामी, यदि हम इसको देखते हैं तो स्थिर लग्न की कुंडली है और नवम भाव जो है बाधक भाव है, तो आप देख सकते हैं कि अंतरदशा जो है शुक्र की चल रही थी और नवम भाव में उसकी तुला राशि है। और उसके अलावा यदि हम देखते हैं तो प्रत्यंतर दशा जो चल रही थी बुध की चल रही थी, और बुध जो है यदि हम देखते हैं उसकी एक राशि जो है मिथुन, वो तो पंचम भाव में है और दूसरी जो है अष्टम भाव में है। तो ये तो हमें एक सीधे तौर पर स्थिति पता चलती है कि गुरु शुक्र और बुध की जो दशाएं चल रही थी ये एक तरह से अच्छी नहीं चल रही थी। तो अब इनके जो कारेश हैं, क्योंकि यहां पर हम सीधे तौर पर ये स्थिति देख रहे हैं कि जातक अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा क्या दर्शा रही हैं ये हमें जो है इनकी स्थिति भी देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरु जो है अष्टम भाव में स्थित है, 2 और 11 का स्वामी है। गुरु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल जो है 11वें भाव में स्थित है, 3 और 10 का स्वामी है। गुरु अपने ही उपनक्षत्र में है जो कि 8, 2, 11 भाव को दर्शा रहा है। अब आप सभी बेहतर जानते हैं कि गुरु जो है ये धीमी गति का ग्रह है, और जब भी हम गोचर में स्थिति देखते हैं गुरु की, तो वो किस ग्रह के उपनक्षत्र से गोचरीय हो रहा है ये सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है। तो महादशा स्वामी यदि हम देखें, दूसरा भाव जो कि मारक भाव है और उपनक्षत्र पर भी दूसरा भाव जो कि मारक भाव है, उस स्थिति में था। अंतरदशा स्वामी शुक्र को यदि हम देखते हैं, शुक्र 8वें में स्थित है, 4-9 का स्वामी है, चंद्र के नक्षत्र में 3-6 और बुध के उपनक्षत्र में 8-5-8। तो यहां पर शुक्र जो है छठा भाव जो कि रोग को दर्शाता है, नवम भाव जो कि बाधक को दर्शाता है, चौथा भाव भी यहां पर एक तरह से नेगेटिव है, और उपनक्षत्र पर 5 और 8 भाव, 8वां भाव जो है रुकावट का, 5वां भाव होता है रिकवरी का। क्योंकि छठा भाव रोग का है तो उसका व्यय भाव जो है पंचम भाव वो रिकवरी का है, लेकिन रिकवरी का भाव भी 2 8 भावों के साथ यहां पर दिख रहा है। प्रत्यंतर दशा स्वामी यदि बुध को हम देखते हैं तो बुध जो है 8वें भाव में स्थित है और 5 और 8 का स्वामी है। मंगल के नक्षत्र में मंगल 11वें भाव में स्थित है, 3 10 का स्वामी, और गुरु के उपनक्षत्र में गुरु 8वें में स्थित है, 2 11 का स्वामी। तो यदि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को हम मार्क करते हैं कि इसमें नेगेटिव भाव कौन कौन से हैं, तो एक तो मारक भाव और दूसरा अंतरदशा स्वामी जो है बाधक, रोग, 8वां घातक, इन सब भावों को लिए हुए हैं। अब प्रश्न के समय जो दशा स्वामी हैं उनकी यदि गोचर स्थिति को हम देखेंगे तो यूटिलिटीज में जाकर ऑल साइन स्टार सब लॉर्ड, और जैसा कि 15 जून दो हजार सतारह नटल चार्ट प्लेस और ऑल प्लेनेट सब लॉर्ड चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो हमें हर ग्रह किस राशि, किस नक्षत्र, किस उपनक्षत्र में गोचरीय था ये पता चलता है। तो अब ध्यान दें, सबसे पहले तो महादशा स्वामी जो है गुरु, गुरु धीमी गति का ग्रह है। अब यहां पर गुरु जो है बुध की राशि चंद्र के नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्र से गोचरीय था,
तो धीमी गति का ग्रह जिस ग्रह के उपनक्षत्र से गोचरीय हो उसकी स्थिति को हम लेते हैं। उसके बाद अंतरदशा स्वामी शुक्र, ये तेज गति का ग्रह है, तो शुक्र का जो ट्रांजिट है, गोचर है, वो किस नक्षत्र से हो रहा है ये पहली अहमियत है, उसके बाद किस उपनक्षत्र से हो रहा है वो दूसरी अहमियत है। तो शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र से गोचरीय था, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुक्र अपने ही नक्षत्र, अपने ही उपनक्षत्र यानी कि बाधक से गोचरीय था। और प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है बुध, क्योंकि बुध भी तेज गति का ग्रह है, तो बुध को यदि हम देखते हैं, सॉरी, बुध जो है तेज गति का ग्रह है और बुध जो है चंद्र के नक्षत्र से गोचरीय, और यहां पर 15 जून को ही शुक्र के उपनक्षत्र, फिर आगे सूर्य, और यदि सूर्य की स्थिति को भी देखें तो सूर्य जो है नवम भाव में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर अब इन सब स्थितियों को यदि हम देखते हैं, महादशा स्वामी गुरु बुध के उपनक्षत्र से गोचरिए, बुध 8वें में स्थित है, 5-8, मंगल के नक्षत्र में 11-3-10, जो ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र या उपनक्षत्र से गोचरिए हो उसके पहले दो स्टेप हम लेते हैं कि पहले दो स्टेप पे वो क्या दिखा रहा है। 8वां भाव घातक दिखा रहा है, 5वां रिकवरी और 8वां रुकावट भी है, तो रिकवरी में रुकावट। अब अंतरदशा स्वामी को यदि हम देखते हैं तो शुक्र, और शुक्र जो है अपने ही नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र से गोचरिए, तो शुक्र जो है यदि आप देखें 8वां भाव घातक, 4था भाव अंत, 9वां भाव बाधक, 3रा भाव घर से बाहर यानी हॉस्पिटल में, और 6ठा भाव जो है वो रोग का। उसके बाद प्रत्यंतर दशा स्वामी यदि बुध को देखते हैं तो बुध चंद्र के नक्षत्र में, शुक्र के उपनक्षत्र में, और फिर आगे चंद्र के ही नक्षत्र में, फिर आगे सूर्य के उपनक्षत्र में, तो ये स्थिति क्या दर्शाती है हमें यदि हम देखते हैं तो बुध जो है चंद्र को यदि आप देखें तो 6ठा भाव रोग का, 7वां भाव जो है मारक, पहले दो स्टेप पर। और उसके बाद बुध जो है, क्योंकि शुक्र का यदि हम देखते हैं तो शुक्र हमने देखा था घातक अंत बाधक रोग, और उसके बाद सूर्य के उपनक्षत्र में जाता है तो सूर्य जो है मारक भी है घातक भी है, और राहु सूर्य का नक्षत्र स्वामी लगन पहला भाव शरीर को दर्शा रहा है, तो एक तरह से ये नेगेटिव स्थिति थी पूरी तरह से। अब यहां पर उनको यही बोला गया कि जो स्थिति हम देख रहे हैं गुरु शुक्र बुध की जो दशा चल रही है वो एक तरह से नेगेटिव है, अच्छी नहीं है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो है इनकी ये दशा किसी तरह से निकल जाए और मुश्किल का दौर निकल जाए। लेकिन ये पता चला 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी, और जैसा कि महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी, प्रत्यंतरदशा स्वामी, महादशा और अंतरदशा तो मारक और बाधक की चल ही रही थी, ऊपर से उनके कारेश और उनका ट्रांजिट ये भी एक तरह से नेगेटिव स्थिति का ही था, तो इसलिए उसके संबंध में यही बोला गया कि ये स्थिति जो है नेगेटिव ही दिख रही है। तो ये उदाहरण आप सभी को क्लियर हुआ, मुझे एक एक करके सभी बता सकते हैं। गुरु जी, जी आपने 13 स्टेप बोले थे कि 13 स्टेप वन बाय वन लिखाऊंगा, तो उसके हिसाब से हम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पर जो ये स्थिति है ये जन्म कुंडली है, जी जो प्रश्न कुंडली होती है उसमें वो स्टेप आते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से जो हम, आप एक बात को समझिए कि
कि जन्म कुंडली जो है, जब किसी की अचानक दुर्घटना हो जाए या हॉस्पिटलाइज है, उसमें हमेशा हम चल रही दशा को देखते हैं। अभी प्रश्न कुंडली वाले में प्रश्न इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि पहले जो है जन्म कुंडली के ऊपर देखा जाए कि किस प्रकार से स्थिति देखती हैं। प्रश्न कुंडली में जो होता है कि उसमें जैसे पहला स्टेप हमने देखा कि चंद्रमा जो है जातक जो भी प्रश्न करता है उसके मन की स्थिति को किस प्रकार से दर्शा रहे हैं। उसके बाद जो विषय होता है प्रश्नकर्ता का, मैं एक मिनट पहले स्क्रीन के ऊपर आऊं, देखिए सबसे पहले तो ये समझें कि जब जन्म कुंडली के द्वारा प्रश्न आता है तो हम जन्म कुंडली के माध्यम से चल रही दशा को देखती हैं कि उसकी, आप ये मान के चलिए कोई भी प्रश्न जन्म कुंडली के माध्यम से आता है तो आप जिस तारीख को आपके पास प्रश्न आया उस तारीख से आप उसकी जो है दशा देखेंगे कि दशा क्या स्थिति दर्शा रही है। अब यहां पर जातक जो था वेंटिलेटर पर था और उसकी चल रही दशाएं जो थी वो एक तरह से नेगेटिव स्थिति में थी और ऊपर से मारक बाधक भाव भी जुड़ रहे थे और ऊपर से ट्रांजिट में भी वही स्थिति थी। ये तो जन्म कुंडली के माध्यम से देखा। हमारे पास जब प्रश्न कुंडली आती है, प्रश्न कुंडली में जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले जो है जातक ने जो प्रश्न पूछा चंद्रमा के द्वारा उसके मन की स्थिति को देखा कि जो भी उसका विषय है चंद्रमा क्या उस विषय से संबंधित भावों को दर्शा रहा है। उसके बाद जो विषय होता है उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो विषय है क्या उसके प्रॉमिस को दर्शा रहा है, और यदि उसके प्रॉमिस को दर्शा रहा है यानी कि पॉजिटिव स्थिति है तो उसके बाद मुख्य और सहायक भावों के कारेश ग्रहों को लिया जाता है, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। और यदि मुख्य और सहायक भावों के कारेश ग्रहों में अधिक ग्रह आ रहे हों, क्योंकि यदि मान लो शादी के विषय में प्रश्न हो तो मुख्य भाव 7 है, दूसरा और 11वां भाव जो है सहायक है, तो यदि 7 2 11 भावों के कारेश ग्रहों में लगभग सभी के सभी ग्रह आ जाएंगे फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा दशा, कौन सा अंतरदशा, कौन सी प्रत्यंतरदशा वो कार्य को होने देगी। तो ऐसे में उससे नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो रूलिंग ग्रहों का होता है कि प्रश्न के समय जो रूलिंग ग्रह हैं उनको हमने लिया और फिर उनमें से जो पॉजिटिव हैं वो कॉमन प्लेनेट लेकर फिर हम देखते हैं महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी, प्रत्यंतरदशा स्वामी जो पॉजिटिव हैं उनको लेकर मार्क करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उनकी फिल्ट्रेशन करके जो है उनको हम अलग करके देखते हैं कि कौन से उसमें पॉजिटिव हैं, उसके अनुसार फिर हम आगे देखते हैं कि, तो ये जो स्टेप है ये प्रश्न कुंडली के माध्यम में आते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम में सबसे पहले तो ये स्थिति है कि जातक की चल रही दशा क्या दर्शा रही है, ये तो उसकी हुई करंट स्टेटस कि वो हॉस्पिटलाइज है, वेंटिलेटर पर है। लेकिन अगर मान लो जन्म कुंडली के माध्यम से प्रश्न आता है कि मेरी शादी कब होगी तो पहले उसमें प्रॉमिस देखा जाएगा कि जन्म कुंडली क्या शादी के प्रॉमिस को दे रही है, यदि वो प्रॉमिस दे रही है उसके बाद वही स्टेप आगे के जो है कि 7 2 11 के कारेश ग्रहों को हम लेते हैं। तो ये हेलो आप गुरुजी, जी ये आप जो बोल रहे हो हम लोग लिखते जाए तो अच्छा पड़ेगा। नहीं लिखते जाएंगे तो ये तो आप साथ के साथ अगर नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये कि जो, आपका रिकॉर्डिंग देख के लिख लेंगे। हाँ वो आप रिकॉर्डिंग देखकर भी लिख सकते हैं और जो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी वो सारे स्टेप्स जो हैं मैं बाद में, जैसे मैंने ये आगे के पेजेस कुछ दिए थे वहाँ पर भी वो आएंगे। ओके ओके सर। तो जैसे यहाँ पर आपको लगन से संबंधित जो है पहले भाव से संबंधित करा रहा हूँ तो वहां पर मैंने पेजेस दिए थे जिसमें आपको पता चले चर लगन, स्थिर लगन, द्विस भाव, उनके पॉजिटिव हाउस कौन से हैं, नेगेटिव हाउस कौन से हैं, मारक बाधक कौन से हैं, तो वो वहां पर भी वो बताया गया है। इसके अलावा पीडीएफ लेसन जो है उसमें यदि आप पहला भाव देखते हैं तो पहले भाव में भी पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर ये है कि हम प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली के माध्यम से
कि हमारे पास जब प्रश्न आता है किस तरह से हम देखते हैं, उस स्थिति को मैंने बताने की कोशिश की है। तो अब इसके बाद मैं जो आगे के उदाहरण ले रहा हूं कि ये तो हमने देखा है कि किस प्रकार से हमारे पास प्रश्न आते हैं। अब आप सभी ध्यान दें कि एक हम प्रश्न कुंडली किस प्रकार से लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि आपके समक्ष एक चार्ट खुल गया है, और यदि मान लो किसी का अचानक हमारे पास कोई प्रश्न आता है हेल्थ से रिलेटेड या लॉन्गेविटी से रिलेटेड, और हम होरारी के द्वारा देख रहे हैं, तो मान लो लॉन्गेविटी से संबंधित देख रहे हैं, तो यहां पर होरारी चार्ट आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, होरारी चार्ट। और हमेशा ध्यान में रखें होरारी नंबर रेंज 1 से 249 हो, क्योंकि होरारी नंबर रेंज 1 से 2193 भी होता है, उसको हम नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। हम होरारी नंबर रेंज 1 से 249 लेते हैं, और जब भी हम होरारी चार्ट पर क्लिक करते हैं तो वो मौजूदा समय में पूछता है कि ये जैसे मौजूदा समय 13 दिसंबर 2021 अभी 9:44:33 रात के, जैसे मैं मान लो अभी कोई प्रश्न कुंडली ले रहा हूं, मैंने ओके कर दिया। अब उसके बाद वो होरारी नंबर पूछ रहा है 1 से 249। यदि जातक ने कोई होरारी नंबर बोला है, मान लो 12 नंबर बोला है, तो हमने 12 नंबर फिल करके ओके करेंगे और क्रिएट चार्ट करेंगे, तो ये प्रश्न कुंडली बन जाएगी लॉन्गेविटी के ऊपर, और हम प्रश्न का जो है आगे देख सकते हैं। लेकिन यदि मान लो हमारे पास कोई, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उदाहरण जो मेरे पास हैं, ऐसे उदाहरण जो पहले किए जा चुके हैं, तो उनको किस प्रकार से लिया जाता है वो भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो अभी मैं एक प्रश्न लेने जा रहा हूं, और इस प्रश्न में आपको दो तीन बातें जो हैं पता चलेंगी कि जब कोई रिश्तेदार अपने सगे संबंधी के संबंध में प्रश्न पूछता है तब कैसे हम देखते हैं, और ये होरारी उदाहरण है। तो सबसे पहले इसमें बताऊं कि ये एक बेटे ने अपने पिता की गिरती हुई सेहत के संबंध में देखते हुए पूछा था, और उसने अपने फादर के संबंध में पूछा था, फादर की हेल्थ के संबंध में। अब यहां पर ये उदाहरण जो है पुराना है, 25 अगस्त 2014 को, तो यहां पर मैं पहले फिल करूंगा 25 अगस्त 2014 को प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न मैंने रात को 8:09:28 और लुधियाना में ही मैंने ये प्रश्न लिया था। अब जैसे कि ये होरारी प्रश्न था, होरारी नंबर 10 दिया गया था, तो ये विवरण भरने के बाद मैं जब होरारी चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मौजूदा समय का तारीख और वो पूछ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर विवरण जो है पहले ही भर लिया है। तो वो ये लिख रहा है कि प्रेस स्पेस बार और जीरो टू यूज टाइम ऑलरेडी फील्ड इन द चार्ट। तो यहाँ पर मैं जीरो कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब वो पूछ रहा है कि होरारी नंबर, तो जैसा कि होरारी नंबर मुझे 10 दिया गया था, तो मैंने 10 होरारी नंबर भरा, ओके चार्ट किया। अब इसके बाद ये ध्यान में हमेशा रखें, क्योंकि मैं तो लुधियाना में रहता हूँ, लुधियाना में मैंने प्रश्न कुंडली ली थी, तो सिटी लुधियाना ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन जब आप ये उदाहरण को मान लीजिए कि आप केपी स्टारवन सॉफ्टवेयर पे करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सब करने के बाद बाद में जिस लुधियाना आपको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यदि आप दिल्ली में हैं और आपने जब ये सॉफ्टवेयर लिया, तो वहाँ सेटिंग्स में आपने अपना
जो स्थान है दिल्ली फिल किया होगा तो हमेशा यहाँ दिल्ली आएगा प्रश्न कुंडली में। तो ये उदाहरण लुधियाना का है, तो इसलिए आपको बाद में सिटी लुधियाना करना होगा, फिर क्रिएट चार्ट करना होगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि बेटे ने अपने पिता की सेहत के संबंध में प्रश्न पूछा था, तो यहां पर जो बेटे ने होरारी नंबर दिया है उसका चार्ट बना है। तो अब यहां पर जो हमारे स्टेप हैं वो सबसे पहले तो हम देखेंगे चंद्रमा क्या स्थिति दर्शा रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है ये मन का कारक होता है। चंद्रमा जो है जातक के मन की स्थिति को दर्शाता है। चंद्रमा जो है हमें प्रश्न के संबंध में स्थिति को दर्शाएगा। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा क्या दर्शाता है। तो यहां पर आप सबसे पहले ये देखें कि चंद्रमा जो है पांचवें भाव में स्थित है, चार और पांच का स्वामी है। अब यहां पर मैं आपको स्थिति भी बता देता हूं कि जो बेटा था उसने अपने पिता की गिरती हुई सेहत के संबंध में पूछा था, और उसका कारण ये था उसके पिता को पिछले कुछ महीनों से लगातार खांसी हो रही थी और उनकी वो खांसी ठीक नहीं हो रही थी। वो कई डॉक्टरों को दिखा चुके थे लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही थी, और ऐसा भी था कि वो खांसी के संबंध में अलग अलग, जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं केमिस्ट वगैरह से ही दवाइयाँ लेकर काम चलाते हैं, तो वो ऐसी ही स्थिति चल रही थी। और उसके पिता जो थे वो ड्रिंक वगैरह भी बहुत करते थे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जातक के जो मन की स्थिति है वो क्या दर्शा रही है। चंद्रमा जो है पांचवा भाव होता है रिकवरी का, चौथा भाव, अब क्योंकि खांसी से संबंधित दिक्कत थी तो चौथा भाव क्या होता है, चेस्ट एरिया, छाती का। तो आप सभी बेहतरी से जानते हैं कि चौथा भाव, यदि अब जातक ने जो प्रश्न किया है कि पिता की खांसी नहीं ठीक हो रही, तो चौथा भाव छाती का और पांचवा भाव रिकवरी, और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बारहवा भाव। बारहवा भाव क्या होता है, नुकसान का, खर्च का, पैसे का, अस्पताल का, डॉक्टर का, क्लिनिक का। तो ये स्थिति आपको दिख रही है। चंद्रमा आगे गुरु के उपनक्षत्र में है 4, 9, 12। तो आप में से कोई 4, 9, 12 की स्थिति मेरे को बता सकता है कि चौथा भाव क्या है, नवम भाव क्या दर्शा रहा है और बारहवां भाव क्या दर्शा रहा है? चार गुरुजी चेस्ट का और अंत का दिखा रहा है, 12वां भाव अस्पताल का, खर्चे का, जी, और 9वां बाधक यहाँ पर देखिए नवम भाव बाधक नहीं, बाधक नहीं लेंगे, ग्यारहवां ग्यारहवां लेंगे। नवम भाव जो है पिता का है। नवम, नाइन्थ हाउस जो होता है फादर का होता है। अब यहाँ पर चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी केतु जो है वो हम देखेंगे कि लग्न कुंडली में केतु जो है गुरु की राशि में है, और गुरु यदि हम देखें 4, 9, 12, तो शो कंसोलिडेटेड पर क्लिक करता हूँ तो चंद्रमा के ये हमें सभी भाव, केतु के सभी भाव दिखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 4, 9, 12 नवम भाव पिता का, चौथा भाव चेस्ट का, खांसी का, बारहवां भाव डॉक्टर का, अस्पताल का। तो अब जो जातक ने अपने पिता की सेहत के संबंध में पूछा, पांचवा भाव रिकवरी यानी पिता की रिकवरी, उनकी खांसी की रिकवरी, तो आपको अब ये चंद्रमा क्या स्थिति अच्छे से दर्शा रहे हैं। आप सभी एक एक करके मेरे को उत्तर दे सकते हैं कि क्या चंद्रमा जातक के प्रश्न की स्थिति को दर्शा रहे हैं? गुरुजी 90% नेगेटिव दिखा रहा है, नहीं, यहां पर दिखा मैं, रहा है सर, दिखा रहा है, यहां पर सिर्फ वो मन की स्थिति, उसके प्रश्न की स्थिति को दर्शा रहे, सिर्फ ये प्रश्न है, दिखा रहा है, हाँ, दिखा रहा है, दिखा रहा है गुरुजी। ठीक है। और यहां पे देखे चंद्रमा के साथ सूर्य भी है, सूर्य पिता का कारक होता है। ठीक है। तो हालांकि हम भावों को ही देखते हैं, ठीक है, तो ये स्थिति हमें पता चली चंद्रमा के द्वारा। अब जो लोग केपी स्टारवन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो मैं एक और चीज बता देता हूं कि यहां पर बेटे ने पिता की सेहत के लिए पूछा है प्रश्न। तो बेटे ने प्रश्न पूछा, जो लग्न बना वो लग्न की स्थिति है। अब यहां पर मैं इस टेबल को क्रॉस के द्वारा बंद कर रहा हूं, और उसका कारण है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब पुत्र ने पिता की सेहत के संबंध में प्रश्न पूछा है, तो मैं क्या करूंगा कि जो पिता का भाव है नवम भाव, इसको मैं लग्न पर लेकर आऊंगा, यानी कि नवम भाव को मैं रोटेट करूंगा। और
यदि यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम भाव, ये गुरु की राशि यहाँ पर दर्शा रहे हैं और यहाँ पर भी। तो कस्प चार्ट को हम रोटेट करते हैं, यानी कि जो नवम भाव है उसको मैं लगन पर लाऊंगा तो पिता का लगन बन जाएगा, फिर मेरे को उसके पिता की सेहत के संबंध में जो है अच्छे से स्थिति पता चलेगी। तो उसके लिए केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में आप यूटिलिटीज में जाएंगे, हाउस रोटेशन का टैब है, हाउस रोटेशन पर नवम भाव के ऊपर मैंने यहां पे किया है 9th हाउस, सेट 9th हाउस है एस असेंडेंट, तो नवम भाव को लगन माना, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं रीसेट नेटिव चार्ट, यानी कि ये रोटेटेड चार्ट है, और यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रोटेटेड चार्ट 9th हाउस एज असेंडेंट। तो ये नवम भाव जो है, नवम भाव में जो धनु राशि थी उसका जो है रोटेट करके वो लगन पर आ गई है, यानी कि अब ये पिता का लगन बन गया है। और जो मैंने नाड़ी सिग्निफिकेटर का जो टेबल मैंने बंद किया था, वो इसलिए बंद किया था कि अब आपको चंद्रमा के द्वारा स्थिति अलग दिखेगी, जहां पर वो चंद्रमा 4, 5 भाव दिखा रहा था वहां पांचवा भाव अब नहीं दिखा रहा, और चंद्रमा केतु के द्वारा 1, 4, 8 दिखा रहा है जहां पर वो दिखा रहा था 4, 9, 12। ऐसा इसलिए कि जब हमने चार्ट रोटेट कर लिया तो सभी ग्रहों के कारेश भाव जो हैं वो भी रोटेट होकर उस स्थिति में आ गए। तो गुरु जी फाइनल ये धनु लगने वाला ही चार्ट मानेंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि ये हमने पुत्र ने पिता के संबंध में प्रश्न पूछा था तो पिता का लगन बन गया है। तो अब यहां पर एक और बात समझें कि जैसे बात वही है कि हमने जो भावचलित चार्ट से हम कारेश बनाते हैं, तो अब क्योंकि भावचलित चार्ट भी जो है वो रोटेट हो गया है, तो यहां पर जैसे आप देख रहे तो हैं इसमें जो मून है वो 8 और 9th भाव में स्थित दिखा रहा है, तो वो क्या बता रहा है? मैं वो आपको सारी स्थिति बताता हूं। अब ये भावचली चार्ट भी तो नवम के हिसाब से रोटेट हो गया है, हमें तो बना बनाया टेबल मिल गया है। चंद्रमा जो है यदि आप यहाँ पे देखते हैं नवम भाव में स्थित है, 8, 9 का स्वामी दिख रहा है, तो यहाँ पे भावचली चार्ट में देखें चंद्रमा जो है ये देखिए नवम भाव में स्थित है और 8वें में करक राशि है और ये 9वें में भी करक राशि है, इसलिए 8, 9 का स्वामी। तो ये जब हम रोटेट करते हैं तो उसी हिसाब से वो सारी स्थिति भी बदल जाती है, ग्रहों के भाव बदल जाती हैं। अब यहां पर चंद्रमा जो है नवम भाव में स्थित है, 8, 9 का स्वामी है, हालांकि पुत्र ने प्रश्न किया था तो रोटेट करने से पहले हमने वो स्थिति को देख लिया, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए कि लगन कौन सा बना, धनु लगन, चर स्थिर द्विष्भाव, चर स्थिर द्विष्भाव, चर स्थिर द्विष्भाव, यानी कि द्विष्भाव लगन की कुंडली बनी। द्विष्भाव लगन वालों का दूसरा और सातवां भाव मारक होते हैं, सातवां भाव ही बाधक होता है, शनि और बुध ये मारक हैं और बुध मारक के साथ साथ बाधक भी है। लगन में ही प्लूटो है, प्लूटो यूरेनस इनको विध्वंसक ग्रह भी माना गया है। तो अब यहां पर अब हम जो स्थिति को देखेंगे, अब इसको आप समझे कि हमने पहले स्टेप पे तो हमने ये समझ लिया कि पुत्र ने प्रश्न किया था, चंद्रमा के द्वारा प्रश्न की स्थिति जो है हमें साफ तौर पर पता चल रही थी, ठीक है। और वहां पर खांसी की दिक्कत, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, परेशानी और रिकवरी के संबंध में जो है स्थिति जो है हमें पता चल रही थी। अब यहां पर पिता का लगन बन गया है तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी, छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, क्योंकि छठा भाव रोग का है, तो आप देख सकते हैं लगन का उपनक्षत्र स्वामी क्या है, राहु। छठे भाव रोग का उपनक्षत्र स्वामी क्या है, राहु। जातक को खांसी की दिक्कत है, लगन शरीर, लगन का उपनक्षत्र और छठा भाव रोग, रोग का रोग भाव का उपनक्षत्र,
ये कौन सा ग्रह है और क्या दर्शा रहा है ये हम देखेंगे। तो अब मैं आपके समक्ष ये जो है कि लगन का उपनक्षत्र राहु है, आप देख सकते हैं छठे भाव का उपनक्षत्र राहु है। राहु क्या दर्शा रहा है, राहु दशम भाव में स्थित है। और राहु यदि हम यहां पर देखते हैं तो किसकी राशि में है, कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और बुध क्या है, मारक भी है बाधक भी है। शो कंसोलिडेटेड पे क्लिक करता हूं तो हमें राहु के बाकी के भाव मिलते हैं। राहु 7, 9, 10, सातवां भाव क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, बताएंगे मुझे। नेगेटिव गुरुजी, नौवां भाव क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ बात नेगेटिव। नवा भाव पिता का है ना गुरुजी? नहीं, ये पिता का तो वो लगन बन चुका है, नवम भाव पॉजिटिव हुआ, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। और दशम भाव जो है ये एक तरह से क्योंकि ग्रेवयार्ड की स्थिति को दर्शाता है। अब लगन और छठे भाव का उपनक्षत्र यदि हम देखते हैं गुरु जी राहु यानी अभी नेगेटिव माना जाएगा ना, क्योंकि बुध बाधक है तो वो राहु दोनों फ्रेंडशिप कर लिया दोनों ने। मैं आपको बता रहा हूं इसमें हम, हाँ वो नेगेटिव ही माना जाएगा क्योंकि वो मारक और बाधक दोनों भावों को दर्शा भी रहा है। लेकिन हम और स्थिति को भी देखेंगे। राहु जो है मंगल के नक्षत्र में है। अब आपको मैं बात बताता हूँ कि इनको जब ये चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और जब इनका मैंने लगन का उपनक्षत्र और छठे भाव का उपनक्षत्र राहु देखा, राहु क्या होता है, ये पूरी तरह से बीमारी को उजागर नहीं करता, ये कुछ ना कुछ छुपा रह जाता है। राहु और केतु जब भी आ जाएं ये कुछ ना कुछ छुपाकर पूरी तरह से, और ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं होने देते। राहु के साथ जब भी मंगल जुड़ जाए तब स्थिति को और गंभीर मान लेना चाहिए। अब राहु के साथ मंगल जुड़ रहा था और मंगल जो है यदि हम देखते हैं 11वें भाव में स्थित है, 5-12 का स्वामी है, यानी 12वां भाव भी आ रहा है वहां पर। राहु अपने लेवल पर 7वां भाव नेगेटिव दे रहा है, नक्षत्र लेवल मंगल पर 12वां भाव नेगेटिव दे रहा है। उप नक्षत्र पर यदि हम देखते हैं 1, 4, 8, 8वां भाव रुकावट है, चौथा भाव भी एक तरह से नेगेटिव है और पहला भाव लगन शरीर का है। तो इनको टेस्ट करवाने को बोला कि अच्छे से टेस्ट करवाएं, इन्होंने चेस्ट के टेस्ट करवाए और बाकी टेस्ट करवाए तो 2-3 दिनों में पता लग गया कि उनके फादर को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी और वो चेस्ट से रिलेटेड कैंसर उनको जो है हो गया था। अब एक और बात का ध्यान दें कि लगन का उपनक्षत्र राहु और छठे भाव का उपनक्षत्र राहु, राहु के आगे आप देख रहे हैं कौन सा निशान लगा हुआ है, राहु के आगे आपको एक, अनटेनेंटेड बिल्कुल ये स्टार का निशान है, राहु अनटेनेंटेड है। और जो ग्रह अनटेनेंटेड होता है वो 1 से 12 भावों में हम देखते हैं कि वो किन किन भावों का उपनक्षत्र स्वामी बना है। तो राहु को देखे पहले का, दूसरे का, चौथे का, छठे का, सातवें का और 12वें का। तो पहला भाव शरीर, दूसरा भाव मारक, चौथा भाव चेस्ट एरिया अंत भी, छठा भाव रोग का, सातवां भाव मारक भी है बाधक भी है, 12वां भाव अस्पताल का। तो अब राहु के ये भाव लिखें और राहु के आगे ब्रैकेट में यदि हम ये उपनक्षत्र जिन जिन भावों का बन रहा है, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां, 12वां, तो कितने नेगेटिव भाव है ये आप समझ सकते हैं। तो यानी कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है पूरी तरह से नेगेटिव स्थिति में था, छठे भाव रोग का उपनक्षत्र स्वामी जो था पूरी तरह से नेगेटिव स्थिति में था, ठीक है। अब 5वां भाव क्या होता है, रिकवरी का। 5वें भाव का उपनक्षत्र है शुक्र। अब शुक्र को यदि हम देखते हैं, शुक्र 8वें में स्थित है, 6-11 का स्वामी है, किसके नक्षत्र में है, बुध के। और बुध क्या है, मारक भी है बाधक भी है। तो रिकवरी के संबंध में भी नेगेटिव स्थिति हमें दिख रही है क्योंकि मार्केश और बाधकेश और 7वां और दशम भाव
ये भी एक तरह से नेगेटिव है। जो मैंने हमारा जो टेबल मैंने एक ये टेबल आपके समक्ष दिया था, तो क्योंकि द्विस्वभाव लग्न बना, ये द्विस्वभाव लग्न है, बाधक सातवां भाव, मारक दूसरा सातवां, ठीक है, एंड चौथा भाव, तो यही हमें स्थिति वहां पर, छठा भाव जो है रोग, बारहवां भाव सिकनेस घातक लॉस, और हमने जो अभी वो स्थिति देखी, और राहु अंटेन एंटेड होकर जिन जिन भावों का उपनक्षत्र स्वामी बना, तो साफ तौर पर ये स्थिति जो है एक तरह से नेगेटिव थी। यहां तक सभी को क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं। जी गुरु जी, जी, अब यहां पर एक और बात का ध्यान दें कि ये अब देखने के बाद जातक की जो, अब ये प्रश्न कुंडली में जो दशा चल रही है, प्रश्न पूछा गया था 25 अगस्त 2014 को, तो 25 अगस्त 2014 को केतु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, शुक्र की प्रत्यंतरदशा चल रही थी। केतु गुरु शुक्र चल रहा था मौजूदा समय में, उसके बाद केतु गुरु सूर्य जो है वो चलना था, ठीक है, और उसके बाद केतु गुरु चंद्र, तो महादशा तो केतु की चल रही थी, अंतरदशा गुरु की चल रही थी, आगे कुछ महीनों में यदि प्रत्यंतरदशा देखें, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्र की। सबसे पहले महादशा केतु को देखें, केतु चौथे भाव को दर्शा रहा है, बुध के नक्षत्र में सातवां भाव और उपनक्षत्र 1 8 4, पहला लगन शरीर, चौथा उनको जो खांसी से संबंधित दिक्कत, आठवां भाव भी यहाँ पर एक तरह से अब नेगेटिव ही हो गया, सातवां भाव मारक भी है बाधक भी है, और बुध जो है वो भी मार्केश है बाधकेश है, तो महादशा स्वामी केतु नेगेटिव। अंतरदशा स्वामी गुरु को देखें, गुरु 8 1 4, शनि के नक्षत्र में जो है दूसरा भाव, और गुरु आगे राहु के उपनक्षत्र में दशम भाव, तो हेलो गुरु जी, जी ये केतु के अंदर 9 नंबर दिख रहा है, नौवा भाव, तो वो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो उसमें से ज्यादा परसेंटेज जो नेगेटिव के आ रहे हैं, तो हमें नेगेटिव ही मानना चाहिए ना, एक यानी मिनट, उसके, क्योंकि केतु की लाइन में पूरी सीरीज अपन देखेंगे पूरी लाइन की, तो उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ज्यादातर नेगेटिव है, तो किस एंगल से देखना चाहिए? यहाँ पर ये देखिए कि यदि हमें पहले तो हमें लगन और छठे भाव से उसकी स्थिति को नेगेटिव पता चला कि नेगेटिव स्थिति दिख रही है साफ तौर पर, उसके बाद उनका जैसे कि टेस्ट भी करवाने को बोला तो कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसके बाद महादशा को देख रहे हैं जो केतु है वो भी नेगेटिव जो है आ रहा है, अब अंतरदशा गुरु को देख रहे हैं तो गुरु जो है यदि हम देखते हैं 1 8 4, शनि के नक्षत्र में दूसरा भाव, ये भी मारक हुआ, और उपनक्षत्र राहु दशम भाव, और राहु 7 9 10 उपनक्षत्र पर ये भी नेगेटिव हुआ अंतरदशा स्वामी। अब उसके बाद प्रत्यंतर दशा देखे, शुक्र फिर सूर्य फिर चंद्र, तो सबसे पहले प्रत्यंतर दशा शुक्र को देखें, बुध के नक्षत्र में यह भी नेगेटिव क्योंकि सातवां भाव, ठीक है, और उपनक्षत्र पर यह आठवां भाव रुकावट का भी है। अब उसके बाद अगली प्रत्यंतर दशा को देखते हैं, सूर्य फिर चंद्र, सूर्य को यह भी 1 4 8, अब यहां पे एक तरह से क्योंकि कैंसर डिटेक्ट हुआ, चौथा भाव अंत का भी होता है, आठवां रुकावट का भी, पहला भाव शरीर का, उसके बाद चंद्र को भी देखते हैं 1 4 8, तो ये जो स्थितियां थी उनको साफ तौर पर यही बोला गया कि महा मतलब कि पिता की जो स्थिति है, एक तो वो नेगेटिव दिख रही है, महादशा भी अंतरदशा भी, तो उनको यही बोला कि आगे आप जो है डॉक्टर्स के अनुसार जो भी स्थिति वो बताते हैं उसको आप समझिए, और उनका जो भी हो सकता है बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की कोशिश करें। हालांकि हमें भी यही लग गया था कि आने वाले जो कुछ प्रत्यंतर दशा के जो पीरियड हैं वो भी नेगेटिव हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने,
25 अगस्त 2014 को प्रश्न पूछा गया था, और जैसे जैसे उनकी स्थिति आगे बढ़ती रही, जिस हिसाब से जो मारक बाधक भाव अत्यधिक एक्टिव थे, चौथा भाव, आठवां भाव, ये भी अत्यधिक जो एक्टिव था, उनकी स्थिति आगे भी, क्योंकि उसके बाद भी कई बार पूछा, तो 14 अक्टूबर 2014 को उनके जो है पिता की मृत्यु हुई थी। और उस समय केतु गुरु सूर्य एक तरह से खत्म हुआ था और केतु गुरु चंद्र एक तरह से शुरू हुआ था, तो वो अंत उनका, जैसे कि चौथा भाव अंत का ही होता है, जितनी स्थिति ये नेगेटिव थी उस हिसाब से चौथा भाव वो अंत की तरफ ही लेकर गया। 1 4 8 आठवां भाव रुकावट। और एक और बात बता दूं, चौथा भाव किसका व्यय भाव है आप सभी बता सकते हैं? चौथा भाव जो होता है किसका व्यय भाव है? पांचवे का पांचवा भाव होता है रिकवरी का, पांचवा भाव होता है इलाज का। अब उसका व्यय भाव है चौथा भाव, यानी कि दवाइयां भी ना लगें, इलाज भी संभव ना हो पाए, इलाज करवाने पर भी इलाज ना लगे। आठवां भाव भी रुकावट का। तो ये स्थितियां साफ तौर पर हमने ये देखा कि जो पुत्र ने प्रश्न किया उसके संबंध में चंद्रमा के द्वारा क्या सार्थकता दिखी। उसके बाद रोटेट करने के बाद, क्योंकि लगन से संबंधित, शरीर से संबंधित प्रश्न था, रोग से संबंधित प्रश्न था, लगन और छठे भाव का उपनक्षत्र क्या दर्शा रहा था, लगन के हिसाब से नेगेटिव भाव अत्यधिक आ रहे थे। उसके बाद महादशा को हमने देखा, अंतरदशा को देखा, वो भी एक तरह से नेगेटिव दिख रहे थे। तो फिर आगे जो प्रत्यंतर दशाएं हैं, और जिस प्रकार से कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो वो स्थिति जो है आगे कुछ दशाओं में वो साफ तौर पे, जो स्थिति यानी कि मृत्यु की स्थिति, वो साफ तौर पर हमें जो है 1 4 8 भाव अंत का भाव, ये जो है साफ तौर पर पता चल रहा था। तो इस तरह से ही जब हमारे पास कोई, चाहे जन्म कुंडली आए, चाहे हम कहते हैं प्रश्न कुंडली आए, हम इसी तरह से उसको जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी आगे आपको और भी अन्य जो उदाहरण हैं इसके संबंध में, वो आगे भी उदाहरण जो हैं इसमें कई प्रकार के करवाए जाएंगे। तो अभी मैं जरा स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूं। तो जैसा कि आपने ये उदाहरण देखा था, जिसमें पुत्र ने पिता की गिरती हुई सेहत, बाद में कैंसर डिटेक्ट होना, और उनकी जिस प्रकार से चार्ट रोटेट करने के बाद जो लगन बना, द्विस्वभाव लगन, दूसरा और सातवां भाव मारक और बाधक, चौथा भाव अंत का, आठवां भाव रुकावट, पहला भाव शरीर का, तो जिस प्रकार से ये सारी स्थिति हमें पता चली वो आपने देखा और समझा। हमारे समक्ष जब भी किसी की जन्म कुंडली आती है या प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी प्रश्न आता है, तो इसी तरह से हम जो है ये इसको देखते हैं। तो लॉन्गेविटी के ऊपर अभी और उदाहरण जो लिए जाएंगे उनको हम आगे लेंगे। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन है जी। सर, ये मारक बाधक की आपने बात की, यानी 2 7 और 12 और 1 3 8 पॉजिटिव ले सकते हैं ना? देखिए, यहां पर मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं उसको आपको, टेबल के साथ ही। देखिए, यहाँ पर हमें अच्छे से मालूम है कि मारक भाव कोई भी लगन हो, दूसरा और सातवां भाव मारक होते हैं। जो बाधक भाव है वो चर, स्थिर और द्विस्वभाव लगन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। 6 8 12 नेगेटिव भाव होते हैं। तो हमने जो चार्ट रोटेट करने के बाद देखा, सप्तम भाव की हमें अत्यधिकता आई, बुध का, सप्तम भाव का जो स्वामी बुध का रोल अत्यधिक आया, चौथा भाव अंत का अत्यधिक रोल आया आपने देखा, आठवें भाव का अत्यधिक रोल आया, यही भाव आए ना। अब पहला भाव लगन का है, शरीर का है, लेकिन वो नेगेटिव भावों के साथ जुड़कर क्या बन गया, वो भी तो नेगेटिव हो गया ना। अब यहां पर चाहे पहला भाव पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है, लेकिन जब
लगन नेगेटिव भावों के साथ, मारक के साथ, बाधक के साथ, घातक आदि के साथ जुड़ गया, तो वो भी एक तरह से उसकी जो है, अब जैसे हम कहते हैं कि फलों का टोकरा हो, सभी के सभी फल सड़े हुए हों, तो उसमें जो सही फल है वो भी तो खराब ही हो जाते हैं। तो यही स्थिति है। अब आपको ये चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वभाव लगन, इनके हिसाब से ही जो है ये टेबल, और बाकी जो हमारा पीडीएफ लेसन है उसमें भी पहले भाव के संबंध में भी ये सारा कुछ बताया गया है। जी, क्लियर अपने गुरु हुआ? जी, फाइनल डेट का आपको अनुमान कैसे लगा? बिल्कुल, नेगेटिव स्थितियों के आधार पर, ओके, नेगेटिव स्थितियों के आधार पर जो स्थिति अब आगे और ज्यादा क्रिटिकल, देखिए वहां पे आपने स्वयं देखा मारक और बाधक कितना आ रहा था। ओके। तो गुरु जी, जो भी एग्जाम्पल चार्ट यूट्यूब पे आते हैं किसी के भी, वो लेके एग्जाम्पल किसकी 55 पे डेथ हो गई, या राजपूत सिंह की डेथ हो गई, सुसाइड किया उसने, तो वो कुंडली लेंगे तो उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे, तो उसमें भी यही सब नेगेटिव भाव दिखेंगे, बराबर ना गुरु जी? देखिए, जो कुछ उदाहरण जैसे मैं बता दूं आपको, भय्यू जी महाराज बहुत ये फेमस हस्ती रहे हैं, भय्यू जी महाराज, उनका चार्ट देखने में मिला था, तो उनका चार्ट, वो सुसाइड किया था उन्होंने, तो उनके चार्ट को हमने देखा। इसके अलावा इरफान खान, जिनको उनको भी बीमारी डिटेक्ट हुई, एक्टर जो थे उनका भी देखा था। प्रत्युषा बनर्जी, उन्होंने या सुसाइड किया था या उनका जो भी है कोई अन्य स्थिति हुई हो, क्योंकि कई प्रकार की वहाँ पर, तो उनके चार्ट में भी नेगेटिव स्थिति जो है दिखी थी। इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार के चार्ट चार्ट आते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का कई बार ये श्योर नहीं होता कि उनका जन्म विवरण सही है कि नहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो चार्ट हैं वो दो तीन प्रकार की उनके मिले थे विवरण, तो इसलिए जब तक विवरण सही ना हो तो वो सही से स्टडी भी नहीं किया जा सकता। तो जो भी चार्ट उपलब्ध हैं वो आपको उनके उदाहरण जो हैं मैं अवश्य दूंगा, और वो आप देखेंगे भी किस प्रकार से उसमें स्थितियां बनी हैं। और एक रिक्वेस्ट है गुरुजी कि 1 से 13 स्टेप का है ना, आप पीडीएफ या कुछ लिख के भेज दीजिए, तो हम लोग क्या है ना उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1 स्टेप लेके। आपके वैसे पीडीएफ जो लेसन दिए हैं उसमें वो स्टेप दिए हुए हैं, फिर भी वो अलग से यहाँ पर मैं जो है टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट करूँगा। थैंक यू थैंक गुरुजी, यू। वो दोनों कंडीशन में यदि मिल जाएंगे तो अच्छा है। ये जो जन्म कुंडली से देखते हैं उसमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो वो एक जनरल स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं और कृष्ण कुंडली के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें मैं आपको वैसे मैं बता देता हूँ, जन्म कुंडली हम बहुत सी कुंडलियाँ लेंगे, और हमेशा यही होता है कि जन्म कुंडली हम जब भी लेते हैं तो मौजूदा चल रही दशा को सबसे पहले मद्देनजर रखते हैं, ठीक है? तो वो आगे हम जिस जिस प्रकार करेंगे आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। हाँ एक्चुअली गुरुजी, मतलब कुछ लोग तो एक्सपीरियंस हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इस फील्ड में नया हूं, तो एक मेरे को जनरल गाइडलाइन मिल जाएगी तो मैं उसको फॉलो करके चलूंगा, तो मेरे को भी आसानी होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो लगभग जहाँ जहाँ पर हमारी जन्म कुंडली वाली उदाहरणें आएंगी ना, वहाँ पर आपको अभी, क्योंकि ये आप दो उदाहरणें अभी देखी हैं हमने, अभी आगे और उदाहरणें भी देखेंगे, अलग अलग विषयों पर उदाहरणें देखेंगे, तो बहुत बहुत कुछ आपको साथ के साथ क्लियर होगा। गुरुजी, जैसे इसमें 1 4 8 आ रहा था, जैसे आपने चार्ट रोटेट किया और लग्न को रोटेट करके उसके फादर की मन की स्थिति यदि देखना चाहें, तो उनके फादर के मून में 1 4 8 आ रहा था। नहीं, फादर के मन की स्थिति नहीं, क्योंकि प्रश्न जो जिसने हमारे पास आकर प्रश्न पूछा है उसके मन की स्थिति या प्रश्न की अर्ज को हम देखते हैं। लेकिन गुरुजी, मतलब ऐसा मेरा सोचना है कि सपोज यदि किसी को भी बीमारी है तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है ना? तो यदि उसकी भी मन की स्थिति जो आपने चार्ट लगाया था वो 1 4 8 दे रहा है, अब 1 4 मेरा खुद का शरीर हो गया, 4 आपने बताया कि जैसे चेस्ट हो गया, और 8 कोई बड़ा रोग हो गया, तो 1 4 8 से वो भी पता चल रहा है कि जातक को कहीं चेस्ट से संबंधित कोई बड़े रोग होने की बिल्कुल, संभावना है। हम कॉरलेट कर सकते हैं ये, जैसे जैसे हम आगे जो भी उसमें
उदाहरण लेंगे, उसमें भी हमें इसी कॉरलेट हम कर सकते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्नकर्ता होता है, क्योंकि देखिए मन की स्थिति है वो अलग हो सकती है लेकिन आउटकम अलग हो सकता है, तो इसलिए प्रश्न क्या जो जातक का है वो जुड़ रहा है, वो स्थिति हम देखते हैं, तो उसके आधार पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी विनायक जी, सर आपने पहले एक रूलिंग ग्रह के बारे में बताया था, वो प्रश्न कुंडली से, और आज प्रश्न कुंडली थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें गुरु जी? देखिए प्रश्न कुंडली जो है, हमारे पास जब कोई प्रश्न लेकर आता है और मान लो होरारी के द्वारा प्रश्न लिया, अब वो हमसे कोई प्रश्न पूछता है, तो 1 से 249 का जो हम ये लेते हैं, ये बिल्कुल उसकी वो पर्टिकुलर, एक तरह से उसने हमें जिस लगन की कुंडली बननी है वो हमें एक तरह से उसने कुंडली दी, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति जो मौजूदा समय में वो स्थिति ग्रहों की होती है, उनको उस पर अप्लाई करके ही वो प्रश्न देखा जाता है। रूलिंग ग्रह जो है वो इन शॉर्ट, जैसे हम बहुत कहीं जल्दबाजी में अचानक से हमने देख लिया, तो वो अलग तरह की प्रैक्टिस है। वो मतलब हम जैसे कोई कार्य देख रहे हैं, हमने रूलिंग ग्रह देख लिया कि जो हमारे सामने वो कार्य हो रहा है, क्या वो रूलिंग ग्रह दर्शा रहे हैं। मेन जो हमारा तरीका है होना चाहिए प्रॉपर, वो या तो होरारी प्रश्न के द्वारा या फिर जन्म कुंडली सही विवरण के साथ उपलब्ध है तो फिर उसके द्वारा, इन दोनों स्थितियों के द्वारा ही सही तरीके से देखा जाता है। रूलिंग ग्रह का उपयोग प्रश्न कुंडली में भी लेते हैं, जहां पर मान लो मैंने आपको बताया था कि यदि लगभग सभी ग्रह आ रहे हों तो कॉमन ग्रह हमने लेने हैं या उसमें से फिल्ट्रेशन करना है, तो रूलिंग ग्रहों की मदद लेते हैं। तो आगे आगे वो स्थितियां भी आपको पता चलेंगी किस प्रकार से हैं। हालांकि जो मेरा तरीका होता है, मैं सबसे पहले अगर प्रॉमिस मिलने के बाद मैं सबसे पहले महादशा देखता हूँ, वो कितनी अवधि की है, क्या वो महादशा स्वामी पॉजिटिव है फल देने को, फिर उसको मैं लेता हूँ। फिर उसके बाद जो अंतरदशा चल रही है, मान लो अंतरदशा अगर 1 महीने की ही रह गई है, अब उससे अगली अंतरदशा जो नई शुरू होनी है फिर उसकी तरफ ध्यान जाता है। लेकिन यदि मौजूदा अंतरदशा मान लो 1 साल तक की पड़ी है और यदि वो पॉजिटिव लग रही है तो उस अंतरदशा में कार्य हो सकता है। उसके बाद फिर जो प्रत्यंतर दशाएं हैं, तो इस तरीके से भी देखा जाता है। और दूसरा तरीका, अब मान लो प्रत्यंतर दशाएं 5-6 हैं, तो हमने देख लिया उसमें से रूलिंग ग्रहों में कौन सी आ रही है और क्या वो पॉजिटिव है, यदि है तो उस प्रत्यंतर दशा में काम हो सकता है। तो इस तरह से महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सेलेक्ट करके जो है फिर हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस निर्णय में इस जो है समय सीमा में जो है कार्य वो हो सकता है, इस अवधि में जो है वो कार्य हो सकता है। तो ये इस तरह से ही करके जो है हम फिर जो फाइनल जो होता है, हम ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए, क्योंकि सर्वोपरि ईश्वर हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, तो उनको हाजिर नाजिर मानते हुए अपनी प्रिडिक्शन दे देते हैं। और गुरु हमारी जी मोस्टली जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो सही होती हैं। अगर मैं कहूँ तो 7-10 की रेशो मानकर चलें आप, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे स्वयं एस्ट्रोलॉजर की, मान लो आज मैं कोई चार्ट देख रहा हूँ लेकिन मेरा मेष लगन है, अष्टम और द्वादश भाव से यदि चंद्रमा का गोचर हो रहा हो तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। जी गुरु जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। जी अभी इसमें आपने देखा कि दो उदाहरण दिए, उसके अंदर देखा हम लोग ने कि डेथ हो रही है सामने वाले की, जो जातक है उसकी, यानी ये पिताजी की डेथ हुई वो जातक की, बराबर। अभी मेरा क्या कहना है कि हम कुंडली देख के ऐसा देख सकते हैं कि भाई इसकी आयुष्य कितनी होगी, ऐसा? देखिए मैंने बताया था उसमें कि किसी की लंबी आयु, मध्य आयु या दीर्घायु, मतलब या छोटी आयु, वो स्थिति हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा हम ज़्यादातर प्रैक्टिकली बात करें तो हम किसका चार्ट उठाकर देखते हैं कि ये लंबी आयु जिएगा या मध्य आयु, हम नहीं देखते। हम तब देखते हैं जब प्रॉब्लम आई होती है ज़्यादातर। यानी वो एग्जाम्पल आएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अंदाजा आएगा कि भाई ऐसे ही जान सकते हैं कि भाई एज कितनी होगी।
ऐसा कोई बीच में एक एग्जांपल ले लेना नेक्स्ट टाइम। नहीं किस वो नष्ट जातकों में ही लिया जाते हैं ऐसे उदाहरण, क्योंकि यदि मान लो किसी लाइव जातक के ऊपर हमने ले लिया, आप एक जब भी आप करें तो म्यूट कर लीजिए करें, क्योंकि आपके ना जो जैसे भी आप थोड़ा सा सांस लेते हैं वो सारी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो ये होता है कि मान लो अगर किसी का मान लो हमने चार्ट ले लिया, अब उसमें अगर यदि मध्य आयु आ रही होगी ना मान लो, और हमने बोल दिया जी आपकी तो मध्य आयु दिख रही है, उस दिन के बाद उसका डर शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, कोई भी हो जितना मर्जी कोई मजबूत हो, तो कहीं ना कहीं ड्राइव करते समय कहीं ना कहीं ऐसे में वो जब उसके दिमाग में वो स्थिति आएगी ना तो कहीं ना कहीं वो गलती कर जाता है। ऐसे में कई कई बार ये ऐसे केसेस देखे गए हैं, इसलिए फिर जो है ज़्यादातर हम लाइफ का नहीं उसमें इतना देखते। हाँ जब अगर किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा हो या हॉस्पिटलाइज हो या वो ऐसी स्थिति में, और ऐसा नहीं है कि कोरोना के काल में कई लोगों को जो कोरोना हुआ था उसमें कईयों की जो है रिकवरी हमने साफ तौर पर बताई थी कि आप अच्छे होकर घर वापस आएंगे, और ऐसा हुआ भी, तो वो कोरोना काल के कई केसेस हैं वो भी हम लेंगे। ठीक है, तो वो एक तरह से आपके लिए ठीक है। वो भी लाइव उदाहरण ही रहेंगे। जी तो आज ये जो हमने कुछ उदाहरण समझे हैं लॉन्गिविटी के ऊपर, आगे हम इनके ऊपर और उदाहरणों को भी लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी को अच्छे से पता चली होगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तो सभी को